evening everybody, this is Khushi from Lexus and Company. So now we have came with our topic which is trademark. Trademark एक ऐसा topic है कि every businessman चाहता है कि उसका business इस तरीके से promote हो कि कोई other business उसके side में ना चल सके. As you can you understand very better. Trademark में actually क्या होता है, किसी भी logo को, किसी भी style को, किसी भी you can say figure को, word को, जब हम चाहते हैं कि ट्रेडमार्क का मीनिंग ही बता देता है कि ट्रेड यानी कि बिजनेस से रिलेटेड एक ऐसा मार्क जो आसपास के लोगों को बहुत अच्छे से इन्फ्लुएंस करे. एंड अगर कोई भी सर्च करता है आपकी सर्विस के रिगार्डिंग तो पहले आपकी सर्विस सबसे ऊपर है. सो विच इज़ यू कैन रिलेट टू द ट्रेडमार्क. सो ट्रेडमार्क किस किस चीज़ों का किया जा सकता है, एनीथिंग लाइक मार्क, कोई भी मार्क हो, कोई लोगो हो, सिंबल हो, लेटर, फिगर, वर्ड यूज बाय इंडिविजुअल टू यूनिकली आइडेंटिफाई गुड्स और सर्विस फ्रॉम अदर्स. तो जब हम अपनी सर्विस को किसी और, तो वह क्या कर सकता है ना कि इसमें अपने जो भी ट्रेडमार्क की वजह से वो अपने बिजनेस को दूसरों के बिजनेस से जो इस सेम प्रोफेशन में है उसको अपने यूनिकली आइडेंटिफाई करवा देता है उस चीज़ को कि ये मेरा जो बिजनेस चल रहा है ये यूनिक है, बाकी सबका सेम है बट मेरा यूनिक है. ओके तो इसमें एलिजिबिलिटी क्या होती है, और पहली चीज़ तो ये गवर्न किस एक्ट से होता है, दिस इज गवर्न बाय द ट्रेडमार्क एक्ट 1999. ओके तो इसमें एलिजिबिलिटी होती है एनी वन हु इज अ ऑनर और इंडिविजुअल प्रोपराइटर कॉरपोरेशन और लीगल यू कैन से द लीगल ऑर्गेनाइजेशन. एनी वन कैन कम एंड वो अपने किसी लोगों का सिंबल का या वट एवर एनी थिंग दे कैन मेक अ सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेडमार्क. ओके और तो उसमें क्या होता है, इसका जो प्रोसीजर होता है, इसमें विद इन फ्यू डेज जब आप रजिस्ट्रेशन करा देते हैं ट्रेडमार्क का, तो उसके बाद क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको एक पूरा रजिस्टर हो जाता है जब आपका एक TM करके, इफ यू हैव समवन आपने कहीं देखा होगा लाइक TM करके एक छोटा सा राउंड कलर का एक वो होता है आपका एक साइन होता है जिससे हमें ये पता चलता है. तो उसमें वो आपको TM या फिर एक R विच इज़ रजिस्टर्ड यानी कि आपका जब रजिस्टर हो जाता है ट्रेडमार्क तो उसके बाद आपको वो यू कैन से सिंबल मिलता है जिससे पता चलता है कि आपका जो बिजनेस है, आपका जो मार्क है वो रजिस्टर्ड है एंड ट्रेडमार्क है. ठीक है तो ये जो प्रोसीजर होता है इसको होने में कितना टाइम लगता है, ये 6 to 8 months ले लेता है, लास्टली 6 to 8 months. बट अगर मान लीजिए अप टू इसमें लास्ट टू लास्ट कितना, अगर मान लीजिए कोई ऑब्लिगेशन नहीं रहा, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं आपके जो प्रोसीजर सर्टिफिकेट में, तो ये ले लेता है आपका 18 महीने. 18 महीने इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, दिस इज अप टू टाइम ऑफ 18 months. ओके सो और वैलिडिटी इसकी क्या रहती है, वैलिडिटी ऑफ ट्रेडमार्क इज 10 years फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन डेट, जिस दिन से वो रजिस्टर हुआ है उस दिन से 10 साल तक उसका रजिस्ट्रेशन, फिर उसको आपको रिन्यू कराना होता है. रिन्यू का जो प्रोसेस होगा आप अगर चाहते हैं तो मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगी, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट. एंड नाउ द लास्ट थिंग, हु कैन ऑप्ट फॉर द ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, एज मैंने पहले भी बताया कि इसमें कौन कौन ले सकता है, कोई इंडिविजुअल होगा, कोई शेयर ऑनरशिप होगा, जैसे कि कोई जॉइंट पार्टनरशिप चल रही है किसी दो पर्सन में, तो वो दोनों मिलके जाके अपने बिजनेस को ट्रेडमार्क करवा सकते हैं. पार्टनरशिप फॉर्म हो गई आपकी, LLP विच इज़ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हो गया आपका, इंडियन कॉरपोरेशन, फॉरेन कॉरपोरेशन और द सोसाइटी ऑफ ट्रस्ट, जो जितना भी है इनमें अगर कोई भी अगर चाहता है कि किसी लोगो, सिंबल, नेम और एनीथिंग विच इज़ लेटर दे वांट टू ट्रेडमार्क ऑफ दैट वन और दे वांट सर्टिफिकेट ऑफ दैट, दे कैन गो एंड रजिस्टर देयर ट्रेडमार्क एज एन ट्रेडमार्क. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लेट मी नो इन द कमेंट इफ इज देयर एनीथिंग विच यू डोंट अंडरस्टैंड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.